उनकी मेराज के वो जाने कहां तक पहुंचे और मेरी मेराज के मैं उनके कदम तक पहुंचा। मेराज इसका माना क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेराज, मेराज कहते किसको, मेराज का डिफिनेशन क्या। अब अगर मैं पूछूं आपसे तो ये जवाब आएगा कि अभी आप आयत पर लैला मिनल मस्जिद अल हराम मिनल मस्जिद अल अक्सा, मेराज कि हमारे नबी मस्जिद हराम से मस्जिद बोली बुलंद आवाज से तकरीर सुनना भी है और तकरीर करना भी है। मस्जिद हराम से कहां गए, मस्जिद अक्सा, क्या ये मेराज है, क्या ये मेराज है। अगर मेराज का माना आपने ये समझा है तो बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अगर ये कोई कहे कि मस्जिद अक्सा से सातवें आसमान की बुलंदी पर पहुंचे ये मेराज है, ये भी मेराज नहीं है। अगर कोई ये समझे कि सातवें आसमान से ऊपर से सिदरतुल मुंतहा चले गए क्या ये मेराज है, तो जवाब फिर भी आएगा नहीं, आपने अभी समझा ही नहीं है मेराज। अगर फिर कोई ये कहे कि मैं ये कहता हूं कि सिदरतुल मुंतहा से आगे हमारे नबी गए जहां पर हजरत जिब्रील भी आगे न जा सके, ये नबी की मेराज है, फिर भी मैं कहूंगा नहीं। क्यों, इसलिए कि मस्जिद हराम से सिदरतुल मुंतहा करके दाम मका तक जाना ये मेराज नहीं है बल्कि ये सफर मेराज है। क्या है ये सफर मेराज है, ये मेराज का सफर है, ये मेराज का सफर है। आज इस जामिया मस्जिद अली खैर में बैठ कर जितने हजूर मुसलमान यहां पर मौजूद हैं, आज सारे मुस्तफा मौजूद हैं, इस बात को याद रखिएगा कि नबी की मेराज मुस्तफा की मेराज में नहीं गए कि वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, मस्जिद अक्सा से सातवें आसमान की बुलंदी पर पहुंचे, सातवें आसमान की बुलंदी से सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा से दाम मका तक पहुंचे, ये नबी की मेराज नहीं है। ये तो नबी का इख्तियार है, ये नबी का इख्तियार है, और बल्कि आसमान में है बल्कि जमीन में। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे YouTube चैनल सैयद साजिद पाशा कादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।